इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रिक करंट के मैग्नेटिक स्रोत। अगर किसी कंडक्टर से करंट गुजर रहा है तो इसके इर्द गिर्द एक इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा हो जाता है। इस इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन ऑफ फोर्सेस की फोर्सेस के सिम्स हम मरकज होती हैं। हम लाइन ऑफ फोर्सेस की सिम्स को दाएं हाथ के असूल के मुताबिक मालूम कर सकते हैं। अगर हम किसी तार की शक्ल के कंडक्टर को हाथ में पकड़ें तो इसमें फैला हुआ अंगूठा करंट की सिम्स को, जबकि मुड़ी हुई उंगलियां लाइन ऑफ फोर्सेस की सिम्स को जाहिर करती हैं। अगर करंट नीचे से ऊपर की तरफ बह रहा है तो इसमें लाइन ऑफ फोर्सेस की सिम्स एंटी क्लॉकवाइज होगी। अगर करंट ऊपर से नीचे की तरफ बह रहा है तो इसमें लाइन ऑफ फोर्सेस की हरकत क्लॉकवाइज होगी। ये एक क्वाइल की हरकत को दिखाया गया है। इसमें टर्न एक दायरे का क्रॉस सेक्शन एरिया दिखाया गया है। इसके अंदर छोटे दायरों में जर्ब और नुक्ते का निशान करंट के सिम्स को जाहिर करता है। अगर डॉट है तो इसका मतलब है कि करंट कागज से बाहर यानी हमारी तरफ आ रहा है, लेकिन अगर जर्ब का निशान है तो इसका मतलब है कि करंट कागज के अंदर ही बह रहा है।